नहीं नहीं, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। खाकर देखो, बिल्कुल मिर्ची नहीं है। हमारा तो पेट भर गया दद्दा, एकदम खा के हो गया। अभी तो हम घर जाएंगे, हैं घर में बहुत काम पड़ा है ना, तो चलो हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अब इस उम्र में भी हम तुमको डांट डांट के सिखाएंगे का? नहीं, इतनी तमीज नहीं है का? अरे अभी बाकी सब लोग खा रहे हैं, सबको खाने दो, फिर उठना। तो ठीक है। वाह जय शंभू भाई, खाने का आनंद आ गया। अब पूरे साल ये स्वाद मुंह में रहेगा। राजा भैया भात धुला दो हमारे। शांति। दद्दा दद्दा, हमें ना एक शिकायत है तुमसे। का? तुम ना अम्मा के लिए बालियां लाए, उनकी बहू के लिए बालियां लाए, और हमारी बहू के लिए, हमारी बहू को भूल गए का बिचारी को? बिल्कुल लाया है। देखो भेदभाव करना तो हमारी फितरत में ही नहीं है, लेकिन खाना खा के भागने की तुम्हें जल्दी मची है तो हम क्या करें? नहीं है? क्या करें हम? बिल्कुल लाए हैं, ये देखो लेकर आए हैं हम। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना लाए हो? ये देखो, ये देखो, ये अब वो आ जाती तो जरा अच्छा होता, मुंह दिखाई भी हो जाती, हम उसको आशीर्वाद भी दे देते। दत्ता हम बताएं ना, हमारी बहू तो है ना इतना पिछले जन्म का पाप है, गले में जैसे ढोल लटकता है ना, ना उसको बजा सकते हैं ना उतार। कहानियां मत बनाओ, कहानियां मत बनाओ, हम जान रहे हैं तुम अपनी कहानियों का ढोल बजा रही हो, बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी, हर बात पर कहानी बना देती हो। ना ना ना, इसको लेकर आओ, हम अपने हाथों से उसे देंगे और जबान मुलाकात भी हो जाएगी उससे। तो लेकिन फिर अभी तो हम जा रहे हैं ना वो पूजा में, वो प्रीतिया को लेके जाना है ना ज्योतिषी अंकल के यहाँ। हाँ, उसके वो कुंडली दिखानी है, कहे कि उसने तो बहुत नहीं कुछ नहीं किया है, तो लेकिन वो उसके लिए लड़का ढूंढना है ना, तो लेके जाना है। तो जाओ ना, जाओ जल्दी से शादी करो उसकी, नहीं तो बच्चे कब पैदा करेगी? 30 में? का हंसने वाली का बात है? नहीं तो हम फिर का जाए का? तो जाओ ना। अच्छा ठीक है, फिर हम चले जाते हैं, है ना। ए? सब चीजें कहाँ गायब हो गई? पर्स? अच्छा, अरे प्रीतिया। जी बुआ। चल चल फिर, चलें ज्योतिषी अंकल के यहाँ। अच्छा दादा, हाँ, 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 अम्मा निकलते हैं, हाँ? हाँ। चल आ जा प्रीतिया, चल जल्दी कर। चलो माँ, हम बुआ के साथ जा रहे हैं। चल। ओह माय गॉड, तब मम्मी का मिस कॉल क्यों नहीं आया? थोड़ा टाइम और लगाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? मॉम जी शायद इसी रोड पर था, पर ठीक से याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा मतलब का? पिछले जन्म में देखी थी जो याद नहीं आ रहा है? अरे नहीं नहीं मॉम जी, हमने आपके लिए बहुत सारे बंगले देखे थे ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज आ गए हैं कि राइट से तीसरा था या लेफ्ट से पहला था या सीधा से दूसरा था। हाँ ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। ब्योम एक काम करो, गाड़ी घर पे लो, जब इसको याद आ जाएगा तब आ जाएंगे। याद आया, याद आया, याद आया। यहाँ से टर्न्स करो, इधर इधर इस तरफ, हाँ इधर इधर, यहाँ लेफ्ट ले लो। हाँ। अरे सीधे हाथ को या उल्टे हाथ को? सीधे वाला उल्टा, सीधे वाला उल्टा। मैं घर ही चलते हैं, चलो घर ही चलते हैं। नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, हम सुजीत जी को बंगला दिखा कर रहेंगे, बस गॉड्स प्रॉमिस। कहाँ जाना है? अरे हाँ हाँ हाँ, हमें तीसरे बंगले से राइट लेना, मतलब लाल लाल चौक से राइट। लाल चौक तो पीछे रह गया। हाँ वहीं से लेना, सॉरी सुजीत जी, वो हमें याद नहीं आ रहा था। चल छोटे पीछे पीछे घुमा गाड़ी। लड़की बाबा जहाँ बोल रही है चलो, दिमाग खराब करके रख दी है। लाल चौक से तीसरा बंगला है राइट लेके। अरे लाल चौक से नहीं, लाल चौक पे जाना है, वहाँ से तीसरा बंगला। हाँ वही वही।
बुआ हम जा कहाँ रहे हैं? उस दिन भी आप कहीं ले जा रही थी, आज भी कहीं ले जा रही हो, पता भी नहीं रही हो। अरे बेटा तेरे बोर्ड सुन लेगा ये। हम तुझे ज्योतिषी अंकल के पास लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके तेरे ग्रह नक्षत्र दिखाएंगे, फिर कुछ वो उल्टा सुलटा एडजस्टमेंट करेंगे, किसी को दिखाएंगे लड़के को, तभी तो लड़का फंसेगा, मतलब मिलेगा। कांड तो बहुत बड़ा कर ही चुकी है, हमारे भैया की तो पूरी इज्जत नीलाम कर दी मुगल सराय में तुम। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ। पर वो तुम इतना सवाल काहे पूछने लग गई हो? है तुम मम्मी के साथ बहुत रहने लग गई, प्रीतिया हम बता रहे हैं, उसके साथ मत रहे, गुरु घंटाल है वो एक नंबर का। और सुन, कोई को बताना मत कि हम कहाँ जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, एकदम चुप रहना, लोगों की नज़र लग जाती है। दादी ने कितनी टेस्टी सब्जी बनाई थी, मैं तो सोच रहा हूँ तुम भी ना एक बार दादी से क्लासेस ले लो, मतलब अगर तुम भी इतनी अच्छी सब्जी बनाओगे उसके बाद सब तुम्हारे फैन हो जाएंगे। नहीं बनाना है मुझे किसी को फैन शिवम। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पैसे ही नहीं बचे हमारे पास। अभी तो दादाजी यहाँ है, अभी कल को वो चले जाएंगे तो उन्हें भी कुछ तो देना है। हमारे पास सिर्फ 500 रुपए बचे। 500? देखो रिया, मेरे पास भी सिर्फ 1500 बचे हैं, ट्रिप में काफी सारे पैसे खर्च हो गए। तुम ऐसा करो ना, एक बार माँ से बात कर लो, कोई ना कोई तो सोल्यूशन दे ही देंगे। शिवम तुम्हें क्या लगता है मैंने मम्मी जी से बात नहीं की होगी? की थी उनसे बात, उन्हें सोल्यूशन भी दिया था, कहा था कि दादी जी से पैसे मांग ले, उनसे रिक्वेस्ट करे कि अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे हमें दे दे, बाद में वापस दे देंगे। उस पर भी उन्होंने मुझे ही डांट, यहाँ कोई बात करो तो डांट देते हैं, कोई सोल्यूशन दो तो डांटो, नहीं दो तो डांटो, हर बात सिर्फ डांट ही पड़ती है। शिवम, अब ओ शिवम। जी माँ। अरे सुनो, बैठो बैठो बैठो। हम कहा पूछ रहे हैं कि प्रीतिया को लाल चूड़ी, वो उजरी वाली लाल चूड़ी पहनी उसने, नई वाली तुमने खरीद के दी है का? प्रीति को चूड़ियां नहीं, नहीं। नहीं अभी जो नीचे चूड़ी पहनी है वो तो नहीं लग रही है लाल जरी वाली, तो फिर शायद ये हो सकता है ना कि उसने खुद खरीदी हो और दादी के डर से तुम्हारा नाम ले लिया हो, है? हो सकता है, तो ठीक है बैठो तुम। थे चूड़ियाँ नहीं थी, मैं कहाँ से लेकर दूंगा? भगवान, अगर शिवम ने चूड़ी नहीं दी तो किसने दी है? मोहित ने नहीं दी? वाओ कितना ब्यूटीफुल बंगलोज है ना। हमको तो सुंदर नहीं लग रहा। अरे का जीजी तुम भी का बात कर रही हो, हैं? गाड़ी से बाहर उतर के अच्छे से अपनी नजरों से नैन सूख लो तो मालूम चलेगा बंगला कितना खूबसूरत है। चलो तुमको दिखाना था ना बंगला, चलो। मामजी हमारी स्टोमेच में हेडेक हो रहा बहुत जोर की, हम नहीं आ रहे। अरे बैठी रहो। बस बस रोक दो भैया, हैं रोको, चलो उतरो बिटिया। यहीं पे? हाँ यहीं पे, और कहाँ पे, यहीं तो उतरना है। बंगला तो अच्छा है। अरे हमारी मम्मीज कार है गई, कितनी बार सीन्स को रिपीट करेंगे हम। लगाते हैं। हेलो, हाँ हाँ पहुँच गए पहुँच गए। हाँ ज्योतिषी जी बंगले के पीछे ही खड़े हैं, बस अभी आ रहे हैं। हाँ ओके रखते हैं। बुआ वो ज्योतिषी यहाँ रहते हैं? कितनी बार तुझसे कहा है भाई, सवाल मत पूछा कर, तू नहीं मानती सच्ची में। यहाँ रहते हैं इसीलिए तो यहाँ लाए हैं। अब ज्योतिष जी का फोन आया था, वो इंतजार कर रहे हैं। तू देख ऐसा कर, दीवार फांद दे। हाँ उन्होंने कहा है कि जो लड़की है उसको दीवार फांद के अंदर आना पड़ेगा, और फिर जो घर है बंगला उसके चार चक्कर लगा के फिर अंदर की तरफ से जो बाहर का गेट है वो खोलना पड़ेगा।
उसके बाद वो तेरे सारे ग्रह नक्षत्र देख के अच्छे से बता देंगे कि क्या करना है। मदद करो भैया, चलो लड़की को अंदर भेजना है, ऐसे बोला है ज्योतिषी जी ने। जा बेटा जा। चल 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 साबर। प्रीतिया, तुमने बंगले के चार चक्कर लगा लिए हैं ना, तो अब अंदर की तरफ से बाहर वाला जो बड़ा वाला गेट है ना, वो खोलो। हाँ, आती हूँ। हाँ परी बोल। मम्मीज, what are you doing? कहाँ रह गई तुम? अरे हम पहुँच रहे हैं, बस हमने अपना चेहरा ढक रखा है और एकदम खुफिया ढंग से हम पहुँच रहे हैं, जिससे वो हमें पहचानेंगे नहीं। प्रीति घर के अंदर है, अभी अंदर से बाहर निकलेगी। मेन गेट के पास ही रहो तुम लोग। है राजेंद्र, तुम जरा नजर रखना है, बंगले पे नहीं लड़की पे। जी मैडम। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे तुम चलो काली चल। हाँ, मिस बंगले वालों को जानती हो? अरे नहीं बहन जी, हम तो बहुत गरीब आदमी है ना, हम तो यहाँ बर्तन झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तो यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं ना, वो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से बात नहीं करते हैं। क्या मतलब तुम हमसे बात नहीं करते? अरे बुरा मानने का कोई बात नहीं है माता जी, जो दिखा उन बोल दिया हमने उनका। अरे सुनो, आज तो टाइम वेस्ट कर दिया, तुम कहाँ जा रही हो? बहन जी, मॉम जी, व्हाट हैपेंड? नहीं कुछ नहीं, अब वो तुम एक काम करो, तुम सुजीव को लेकर ना घर चली जाओ, बहुत धूप है ना, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम व्योम और मकड़ी को लेकर आते हैं, हमको कुछ काम है। अरे मम्मी क्या इम्पोर्टेंट काम है, हम सब आज इकट्ठे घूमने निकले तो हमें टाइम स्पेंड करना है, और वैसे भी आप इतने टाइम बाद मिली हैं, हम सब चाहते हैं कि आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करें। चलिए चल छोटे, गाड़ी निकाल। चलिए चलिए, कम कम। अरे चुप रहो तुम। अरे वो लड़की दिख गई फोटो वाली। जीजी तुमको तो हमेशा फोटो वाली दिखती है, तुम्हारा बहम होगा। अरे नहीं, हमको पूरा यकीन है। अरे जिसको हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे, वो आज हमको यहाँ इस बंगले के बाहर मिली। आज पहली बार परी ने कुछ अच्छा काम किया है। अरे मम्मी चलो ना, ओ मामा चलो। इसको भी आज टाइम स्पेंड करना था हमारे साथ। आ रहे हैं। अरे चलिए ना। हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। सच्ची में जाने कौन सी किस्मत लिखवा के लाई हो तुम, हैं? उस दिन वो सफेद बंगले में गए, वहाँ पे डिजाइनर नहीं मिला, अब यहाँ आए तो ज्योतिषी अंकल नहीं मिले, क्या करें हम? इसीलिए तो तुमसे कहते हैं तुम बीच में पर मत किया करो, टोका लगता है। क्या हुआ, ऐसे चेहरे पे हवाइयाँ काहे उड़ा रखी है, कोनो भूत वूत देख लिया है का? हुआ वो औरत कौन थी आपके साथ? कौन सी औरत? अरे वो हमें कम मालूम होगी कौन पागल, मतलब कि देखने में तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन आजकल पागल कैसे है तो भरोसा नहीं रहता है, तो घूमते रहते हैं इधर उधर। हमें क्या मतलब है, तुम्हें कोनो क्रिकेट का टीम खोलना है उसके साथ? नहीं ना, चलो फिर घर चलते हैं। वो हम तो बस यही बस तुम्हारी प्रॉब्लम है, या तो कुछ बोलोगी नहीं, और बोलोगी तो वो हम तो पर बुआ का ये सब काहे करती हो तुम? जितना तुमसे कहते हैं सवाल मत पूछो, तुम सवाल ही पूछती रहती हो।
सरला जी जी अभी तक प्रत्या को लेकर नहीं आई है, वापस कहाँ करे भाई? हम तो परेशान हो रहे हैं, भगवान करे बस हमारी प्रत्या को एक नजर में ही पसंद कर ले वो लोग हैं। अगर थोड़ी और मेहनत करूं तो 10 दिन में तो इंसेंटिव मिलने ही वाला है, उसके पैसे आ जाएंगे तो घर की प्रॉब्लम शायद थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। जब तक क्रेडिट कार्ड से काम चला लेती पर कैसे, यहाँ किरियाना स्टोर पे तो क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं होता, क्या करूँ? 10 दिन तक पैसे का वेट तो नहीं कर सकती। रिया बेटा तुम ये माला बनाना खत्म करो, हम अब भी आते हैं बस है? कर रही है माला ही तो बनाने को बोले ना तुमको, बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं फिर हम कर लेंगे हमारा काम। मम्मी जी लेकिन मम्मी जी मैं आपसे नहीं, और मैं आपसे नहीं कह रही थी। अरे काका सबको पानी दो और उसके बाद गाड़ी में जो सामान पड़ा है सब ले आओ। हम थोड़ा फ्रेश हो गए। हाँ अरे आज तो हम धन्य हो गए, आज तो हमारी सारी मुसीबतें हल हो गई। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसको हम कब से ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं जीजी वो तुम्हारा भरम था, ये वो लड़की नहीं है। अरे तुम्हारी आंखें हैं या उसमें मोतिया बिन चढ़ गया है, बुढ़ा गए हो तुम, कुछ याद नहीं रहता। अरे वही लड़की है ये। अरे अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो आप लोग, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फोटोग्राफ देख लो, रोज चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा, सिंपल। हाँ ये बात ठीक है। हाँ तो लाओ फोटो, काहे बैठे हो, जाओ फोटो लाओ, बसर के बैठ गए हो। बोल रहे हैं ये वही लड़की है। हाँ अभी क्लियर हो जाएगा। मामा जी रूम्स फोटोज, मामा जी। अरे वो जीजी ने ब्योम के लिए लड़की पसंद की है ना, उसी की फोटो है। मामा जी दिखाओ ना फोटोज, अब तो हम फ्रेंड्स हो गए हैं ना। नहीं नहीं जीजी को मालूम चल गया ना, जीजी डांटेंगी नहीं। अरे नहीं डांटेंगी लेकिन लेकिन कुछ नहीं, लेकिन, दिखाओ। नहीं, नहीं, नहीं लेकिन सुनो सुनो। अरे मना मत करो, हमने आपको लड़की की फोटो दिखाई थी ना, दिखाई थी ना, धीरे बोलो। अरे, ओके? बस देख ली ना, चलो अब हम जाए। अरे जीजी ये तो वही लड़की है जो तुम कह रही थी। वही तो हम, हाँ ये तो वही लड़की है लेकिन तुम लोग मान ही नहीं रहे थे। चल अब तो उसका पता भी मिल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे काका दरवाजा खोलिए, इस वक्त कौन आ गया भाई? हेलो मैडम मैं राजेश। हैं कौन राजेश, कहाँ के राजेश? नहीं भैया हम तुमको नहीं जानते। देखिए मैडम जानता तो हमें कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी पहचान जरा गुप्त रखते हैं। हम हैं राजेश, राजेश जासूस। ओ ये जासूस राजेश है। अरे भैया तुम तो खाम खाई अपना पता जो गुप्त है वो हमको बता रहे हो, उसका जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जिस काम के लिए हमने तुमको बोला था वो तो हमने खुद ही कर दिया। अब ऐसा करो तुम ना उल्टे पांव लौट जाओ। ओके। इधर गले लगो हमारे, अरे गले लगो। तुमको पता है तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए, तुम्हें वो लड़की मिल गई है, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा जब हमने उसको आ देखा तो। सच में अनजाने में ही सही, लेकिन आज इस मैडम मल्लिका ने ना हमको वो कर दिया जो वो करना नहीं चाहती थी। जैसी बहू हमको चाहिए थी ना वैसी मिल गई हमको तुम। गॉड्स व्हाट इज द हैपनिंग, जिस लड़की को हम फिक्स करना चाहते थे मॉम जी भी उसी लड़की को चाहती है कि वो भी हमसे शादी करे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।